Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel. Today, our topic is chapter 1 Black Beauty from New Jam's English Reader book. Okay, this chapter is written by Anna Swell. She was born 1820, 1878, died. She was an English novelist, best known for her novel Black Beauty. पब्लिश इन एटीन सेवनटी सेवन ओके जो उनका नाम था जो बेस्ट नोन थी उनको जो जाना जाता था वो उनकी नॉवल ब्लैक ब्यूटी की वजह से जाना जाता था फ्रॉम एन अर्ली एज शी डेवलप्ड अ स्ट्रांग लव ऑफ फॉर एनिमल एंड वॉज अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ क्रुवेल्टी टूवर्ड्स थे उनको बचपन से ही बहुत अर्ली एज से जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार था और कोई अगर उनके प्रति कोई क्रोवेल्टी या कोई क्रूरता दिखाता था कोई गंदा बिहेवियर दिखाता था वो उसके अगेंस्ट होती थी उनकी डिज़ायर थी हर डिजायर टू सी दैम ऑफ़ द मोस्ट वेल लव्ड एनिमल स्टोरी ओके उनकी डिजायर एक तो उनकी डिज़ायर थी कि सब जो एनिमल उ, एनिमल को कैसे ट्रीट करें बहुत प्यार से बहुत अच्छे से ट्रीट करें दैट्स वाई हर डिज़ायर टू सी दैम ट्रीटेड वेल मोटिवेटेड हर टू राइट वन ऑफ द मोस्ट वेल लव्ड स्टोरी एनिमल स्टोरी टू नाइनटीन इसलिए उन्होंने मोटिवेट होकर क्या किया उन्होंने ये स्टोरी लिखी है ब्लैक ब्यूटी जिसमें एक एनिमल के बारे में बताया कि किस तरह से उसको इतना लाड प्यार मिला है और एनिमल को ये चीज़ें मिलनी भी चाहिए इसमें ब्लैक ब्यूटी एक हॉर्स है जो हॉर्स क्या करता है अपनी खुद ही कहानी बताता है कि मैं किस तरह से मेरी मदर ने मुझे प्रिपेयर किया मैं कहाँ कहाँ गया मैंने क्या क्या देखा मुझे किस तरह से रेडी किया गया तो एक ब्लैक हॉर्स है इसमें डार्की जिसका नाम डार्की है तो ये जो चैप्टर है ब्लैक ब्यूटी ये अन्ना की नावल जो है ब्लैक ब्यूटी से एक्सट्रैक्ट किया गया कुछ ही अंश लिए गए पूरी नॉवल नहीं है सिर्फ कुछ अंश हैं सिर्फ कुछ वही स्टोरी है इसमें जो डार्की जो हॉर्स का बेबी है डार्की उसमें अपने बारे में बताता है कि मैं कहाँ गया मैंने कैसा कैसी लाइफ जो है इसमें वो बताता है कि किस तरह की लाइफ मैंने जी है इस इस टाइम के दौरान ठीक है तो ये अपनी स्टोरी हमें खुद ही बता रहा है क्या ब्लैक ब्यूटी इज अबाउट अ हैंडसम ब्लैक हॉर्स हु टेल्स द स्टोरी ऑफ हिस्स लाइफ इन हिज ओन वर्ल्ड हैंडसम ब्लैक है कितना एडजेक्टिव यूज़ किया हैंडसम ब्लैक हॉर्स जो अपनी कहानी खुद ही अपने शब्दों में बता रहा है दिस एक्सट्रेक्ट इज अबाउट हाउ हाउ ही बिगेन हिज केयर फ्री लाइफ एज अ कॉल्ट इसमें वो ये बता रहे हैं कि कैसे वो एक केयर फ्री लाइफ जीता है एज अ कॉल्ट कहाँ पर डार्की कहाँ पर जीता है ऑन एन इंग्लिश फार्म एंड हिज़ मदर प्रिपेयर हिम टू वर्क बिफोर ही वॉज सॉल्ट और उसकी मदर उसे प्रपेयर करती है जब तक वो कि क्या बेचने से पहले बेचना मीन्स जो घोड़े होते हैं ये काम आते हैं लाइक like, लोग कुछ इन्हें अपने काम में लेते हैं कुछ लोग घुड़सवारी करते हैं तो कहीं और जाने से पहले इसकी मदर इसको क्या कर रही है प्रपेयर कर रही है सो लेट स्टार्ट द चैप्टर द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन वेल रिमेंबर वॉज अ लार्ज प्लेस इन मैडो विद अ पॉन्ट ऑफ क्लियर वाटर इन इट कहता है कौन डाकि कहता है कि मुझे आज भी मेरी पहली जगह वेल रिमेंबर बहुत अच्छी अच्छे से याद है एक बड़ा सा मेडो था मेडो क्या होता है ग्रास घास का बहुत बड़ा मैदान था जहाँ पे एक पॉन्ड भी था जिसमें क्लियर वाटर था पानी साफ दिखाई देता था सम शेडी ट्री लीड लीड मीन्स क्या होता है डिपेंड होना ओवर इट इसके ऊपर कुछ शेडी ट्री थे जो इसके ऊपर डिपेंड थे किसके क्लीन वाटर जो नीचे पॉन्ड बना हुआ है उसके ऊपर कुछ शेडी से ट्री थे एंड रशीज एंड रशिज रशिज क्या होते हैं स्मॉल फ्लावरी प्लांट होता है कैसा होता है स्टीम लाइक like जिसकी लीव्स होती हैं वाटर लिलीज ग्रीव एट अ डीप एंड इसके किस में पॉन्ड की बात कर रहे हैं ओवर द हेज ऑन वन साइड और दूसरी साइड क्या आती है हेज हेज क्या होती है झाड़ीदार बहुत बड़े बड़े टाइप के झाड़ीदार से पेड़ होते हैं जो थोड़े थोड़े सेपरेट होते हैं लेकिन वी लुकड इन टू अ प्लोव प्लॉव क्या होता है प्लोव जो है फील्ड प्लोव फील्ड होती है आपको पता है आज हम एक वर्ड यूज़ करते हैं प्लॉ प्लगिंग करना प्लॉड तो इसका पुराना वर्ड है प्लॉट प्लॉट फील्ड मीन्स की जो लैंड थी वो प्लॉट थी एंड ऑन द अदर ऑन द अदर वी लुकड ओवर अ गेट ऑफ आर मास्टर फार्मर ग्रेस हाउस और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे थे अपने दूसरी साइड जो कि कहाँ था रोड की रोड साइड पर था किसका मास्टर का घर था जो उनका मालिक था उसका घर था ये क्या है एक डार्की बता रहा है कि मैं कहाँ रुका हुआ था मैं एक प्लॉफ मतलब एक बड़ी सी जगह थी मैडो ग्रास थी जहाँ पाउंड था ये सारा डिस्क्राइब कर रहा है ओके एंड द टॉप ऑफ मेडो वॉज अ ग्रूव ऑफ फर एंड द एंड एट द बॉटम फर ग्रूफ क्या होता है ग्रूव होता है जो पेड़ होते हैं ना पेड़ का एक छोटा सा ग्रुप होता है किसका वो कहता है कि ग्रूव ऑफ फर ट्री फर ट्री का एक बहुत बड़ा सा ग्रुप था एंड द बॉटम आ रनिंग ग्रूफ ओवर हंग बाय आ स्टीप बैंक वायल आई वॉज यंग आई लिव अपॉन माई मदर्स मिल्क एज आई कुड नॉट ईट ग्रास वो कहता है कि जब मैं बड़ा हुआ देखो फर्स्ट पैराग्राफ में हॉर्स ने अपनी प्लेस के बारे में बताया अब सेकेंड पैराग्राफ में वो डिस्क्राइब करता है वाइल आई वॉज यंग जब मैं यंग था आई लिव अपॉन माई मदर्स मिल्क मैं सिर्फ अपनी माँ के दूध पीकर ही रहता था एज आई कुड नॉट ईट ग्रास जब तक मैं घास नहीं खा सकता था एज सुन एज आई वॉज ऑल्ड इनफ टू ईट ग्रास जैसे जैसे मैं एज सुन एज आई ओल्ड जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो क्या टू ईट ग्रास माई मदर वुड गो आउट टू वर्क इन अ डे टाइम एंड कम बैक इन द इवनिंग पहले तो मैं अपनी मदर के दूध पर डिपेंड था फिर मैं धीरे धीरे घास खाने लगा मेरी जो मदर थी वो बाहर जाती थी काम करने के लिए दिन में और इवनिंग में वापस आती थी इसकी मदर घोड़े की जो मदर है वो भी ऑब्वियसली बात है फीमेल है ना तो वो भी बाहर जाती है काम करती है ऐसे ही वो अपने बेटे को प्रिपेयर कर रही है देआर वर सिक्स यंग कॉल्स इन अ मिडो बिसाइड्स मी अब वो कहता है कि जहाँ मैं रहता था वहाँ पर कितने थे छः और यंग यंग हॉर्स और भी थे दे वर ओल्डर देन मी दे वर ओल्डर देन आई वो सारे के सारे मुझसे क्या थे ओल्डर थे सम नियरली एज लार्ज एज ग्रोन अप हॉर्से और कुछ तो इतने ज्यादा थे कि वो ऐसे लगते थे जैसे पूरी तरह से घोड़ा बन चुके हैं वी हैड ग्रेट फन हम लोग बहुत ही सा बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे बहुत ज़्यादा फ़न करते थे वी यूज़ टू गलप ऑल टुगेदर राउंड एंड राउंड द फील्ड एज हार्ड एज वी कुड सो वट इज़ द मीनिंग ऑफ गलप गलप होता है कि घोड़े की जो एक चाल होती है ना एक जो गति होती है उसको गलप कहते हैं वो राउंड राउंड मतलब खेलते खेल, जैसे वो आपस में फ़न करते थे ना तो वो इतने चक्कर लगाते थे जितना ज़्यादा तेज़ी से वो भाग सकते हैं उतनी ज़्यादा तेज़ी से वो भागते थे एंड As hard as we could. Sometimes we had a rather rough play for they would frequently bite. और कभी कभी जो वो इस तरह से खेलते थे कि वो एक दूसरे को bite करते थे kick as well as गलप Kick करते थे जिस तरह से गलप जो उनकी जो चलने की गति होती है वो गलत होती है तो वो किक करते थे चलते चलते एक दूसरे को बाइट करते थे मतलब जैसे बच्चे खेलते ना इस तरह से ही लोग खेलते थे वन डे एक दिन वेअर देयर वॉज अ गुड डील ऑफ वन डे वन देयर वॉज अ गुड डील ऑफ किकिंग माई मदर वाइंड वाइंड टू मी टू कम टू हर एंड देन शी सेट ओके एक दिन उनकी बहुत अच्छी बहुत मस्ती वाली वो चल रही थी गुड डील ऑफ़ किकिंग एक दूसरे को किक करना तभी उसकी मदर क्या करती है वाइंड वाइंड क्या होता है बहुत बुरी तरह से चिल्लाना उसको चिल्लाती है और कहती है मेरे पास आओ एंड देन शी सेड वो कहती है आई विश यू टू पे अटेंशन टू वॉट आई एम गोइंग टू से टू यू मुझे यकीन है मुझे इस चीज़ का यकीन है कि जो मैं आप तुमसे कहने जा रही हूँ तुम उस पर अटेंशन दोगे मतलब उस पर ध्यान दोगे द कोल्ड्स हु लिव हेयर आर वेरी गुड कोल्ड जो तुम्हारे साथ जो ये कोल्ड रहते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बट दे आर कार्ट होल्स कॉल्ट लेकिन ये कैसे हॉर्स हैं ये कार्ट होल्ट हैं कार्ट मीन्स क्या होता है जो बग्गी होती है ना आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ अगर किसी की शादी में गए हो ना तो आपने देखी होगी आगे जो घोड़े लगे हुए होते हैं ना वैसी होती है वो बग्गी कार्ट कार्ट कोल्ड्स हैं जितने भी जो ये कॉल्ट हैं ये सारे के सारे कौन हैं कार्ट कोल्ट है एंड ऑफकोर्स दे हैव नॉट लर्न मैनर तो ऑब्वियसली बात है कि क्या है दे हैव नॉट लर्न मैनर्स उनको वो जो मैनर्स सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है उनके पास वो उस तरह के मैनर्स हैं ही नहीं यू हैव बीन वेल ब्रीड तुम एक वेल ब्रीड हो एंड वेल बॉर्न तुम एक अच्छे ब्रीड हो एक अच्छी पैदाइश हो योर फादर हैज़ अ ग्रेट नेम इन दिस पार्ट तुम्हारे फादर का बहुत अच्छा नाम था इन चीज़ों में इस पार्ट में एंड योर ग्रैंड ग्रैंड फादर वन द कप ऑफ टू ईयर्स एट न्यू मार्केट रेस और जो तुम्हारे ग्रैंड फादर जे थे जो दादाजी थे उन्होंने क्या किया था न्यू मार्केट की रेस में विन किया था कप विन किया था योर ग्रैंड मदर हैड अ स्वीटेस्ट टैंपर ऑफ एनी हाउस और जो तुम्हारी ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे स्वभाव के लिए एक अच्छे नेचर के लिए जाने जाती थी आई एवर न्यू आई थिंक अब वो उसको ये सारी चीज़ें क्यों समझा रही है क्यों क्योंकि वो बच्चों के साथ ऐसा उसको ऐसा लगा कि अपना एम तो भूल गया और इनके साथ खेलने लग गया है जैसे आज हमारे पेरेंट्स हमें टीच करते हैं इसी तरह ओके न्यू एंड आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी किक और बाइट अब वो उसे कहते हैं कि आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी वो अपने बेटे को सिखा रही है कि शायद तुमने मुझे कभी नहीं देखा होगा किसी को किक करते हुए या किसी को बाइट करते हुए आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड मुझे यकीन है कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा जेंटल मतलब एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिसेंट तरीके से बड़े होगे एंड नेवर लर्न बैड वेज और तुम गंदी और गलत आदतें कभी नहीं सीखोगे डू योर वर्क विद अ गुड विल अपना काम तुम एक बहुत ही अच्छी गुड विल के साथ करोगे लिफ्ट योर फीट अप वेल When you trot and never bite or kick even in play, अब वो कहता है कि lift your feet up well। तुम जो अपने पैर हैं उनको एक trot means क्या होता है देखो trot होता है जो घोड़ा जो ये horse होते हैं ना जब ये अपने पैरों को आगे पीछे और ऊपर की तरफ उठाते हैं ना कुछ तो well trained होते हैं कि अगर आप नमस्ते करने के लिए को अपने दोनों पैर उठा के इस तरह से झुकते हैं ठीक है तो वो कहते हैं कि तुम अपने काम को बहुत ही अच्छी फीलिंग के साथ विलिंगनेस के साथ करोगे एक अच्छी अंदर आत्मा के साथ करोगे लिफ्ट योर फीट अप वेल when यू ट्रॉट एंड never बाइट और किक इवन इन प्ले वो कहती है कि तुम जो जब भी तुम अपने पैरों को इस तरह से उठाओगे जब भी तुम अपने फीट अप करोगे तो कभी भी किसी को ना तो किक करोगे ना ही बाइट करोगे चाहे तुम खेल ही क्यों ना रहे हो ओके okay, हर चीज तुम एक वेल मैनर के साथ करोगे आई हैव नेवर फॉरगोटन माई मदर्स एडवाइस मैं कभी भी अपनी माँ की जो वो एडवाइस थी वो कभी नहीं भूला हर नेम वॉज डचेस उसका जो नाम था वो डचेस था किसका मदर का बट मास्टर ऑफन कॉल हर पैट लेकिन जो हमारे मास्टर थे उन्हें क्या बुलाते थे पैट बुलाते थे शी वॉज अ वाइज ओल्ड हॉर्स वो एक बहुत ही अच्छी वाइज ओल्ड हॉर्स थी एंड आर मास्टर थाट आ ग्रेट डील ऑफ और जो हमारे मास्टर था वो ये सोचता था कि एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट डील है ग्रेट डील क्यों क्योंकि देखो अगर आपके घर में कोई भी जानवर आया है अगर वो आपको नुकसान पहुँचाता तो आप क्या समझोगे वेस्ट है बेकार है इस तरह का लेकिन वो उसके मास्टर को क्या फ़ायदा पहुँचाती थी ना तो डिस्टर्ब करती थी जैसा मास्टर कहता था वैसा करती थी तो इसलिए यहाँ पर ये लाइन यूज़ हुई है मास्टर थाट आ ग्रेट डील ऑफ हर क्यों क्योंकि उसने उसकी लाइफ में कभी भी उसे नुकसान नहीं दिया हमेशा उसकी बात मानी और जैसे मास्टर ने कहा वैसे ही मतलब जैसे एक आइडल स्टूडेंट होता है ना वो भी एक आइडल थी कौन इसकी जो मदर है डर मास्टर वॉज गुड एंड काइंड मैन मेरा जो मास्टर था हमारा जो मास्टर तो बहुत ही ज्यादा गुड था दयालु आदमी था ही के फूड वो हमें खाना देता था गुड लॉजिस्ट रहने की बहुत अच्छी जगह भी थी एंड काइंड वर्ड्स और हमेशा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता था ही स्पोक एज काइंडली टू अस एज ही डिड विद हिज लिटिल चिल्ड्रन वो हमसे वैसे ही शब्दों का यूज़ करता था जैसे कि वो अपने बच्चों के साथ किया करता था जैसे कि वो अपने बच्चों से बात करता था ना वैसे ही वो हमें हमसे बात करता था हमें ट्रीट करता था दैट्स वाओ wow. हमें भी अपने जो हमारे आसपास जो भी होते हैं जो एनिमल्स होते हैं उनसे हमें इसी तरह का प्यार शो करना चाहिए शायद इसीलिए जो ये नावल है अन्ना की वो उसमें यही दिखा रही है कि किस तरह से उनका मास्टर उन्हें प्यार करता था ओके okay. He spoke as kindly to us as he did to his little children. We were all fond of him. Fond of means क्या होता है? All fond of means होता है कि हमें भी उनसे उतना ही लगाव था, उतना ही प्यार था. And my mother loved him very much. और मेरी माँ भी जो थी अपने मास्टर को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. Okay. Hmm. वेन शी सो हेम एट द गेट शी वुड नी विध अ जॉय अब जैसे ही वो क्या करती थी अपने मास्टर को देखती थी वो रिस्पेक्ट होता है ना एक सिंबल होता है रिस्पेक्ट का इन लोगों का पैर उठा के नीह की आवाज़ निकालना तो जैसे ही वो उनको देखती थी गेट की तरफ वो नीह की आवाज़ निकालती थी नीह क्या होती है हॉर्स की वॉइस है विध जॉय एक खुशी के साथ एंड ट्रॉटअप टू हिम ट्रॉटअप क्या होता है दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठा देना ये एक रिस्पेक्ट भी होता है ट्रॉटअप एक दोनों पैरों को ऊपर उठाना होता है मतलब एक मस्ती सी होती है इन लोगों की ना ये इस तरह से अपना आप में घूमते हैं एक स्पीड होती है थोड़ा चलते हैं पैर ऊपर उठाते हैं फिर बैठ जाते हैं फिर आगे फिर पीछे इस तरह से करते हैं ट्रॉट अप टू हिम उसकी तरफ करती थी ही वुड पैट एंड स्ट्रॉक हर एंड से वेल ओल्ड पैट हाउ इज़ योर लिटिल डार्की और जिनके मास्टर थे इनकी तरफ क्या करते स्ट्रॉक करते थे इनकी पीठ को थपथपाते और इनसे पूछते वेल ओल्ड ओल्ड पैट तुम्हारा जो डार्की है वो कैसा है डार्की कौन है इनका बेटा आई वॉज अ डल ब्लैक मैं थोड़ा सा डल ब्लैक था सो ही कॉल्ड मी डार्की इसलिए वो मुझे क्या बुलाते थे डार्की बुलाते थे ही वुड गिव मी आ पीस ऑफ ब्रेड एंड टाइम ही ब्रॉट आ कैरेट फॉर माई मदर वो मुझे क्या देते थे एक पीस ऑफ ब्रेड देते थे और कभी 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 मेरी मदर के लिए कैरेट भी लेकर आते थे ऑल द हॉर्सेज ऑल द हॉर्सेज वुड कम टू हिम बट आई थिंक वी वर हिज फेवरेट्स वो कहते हैं कि और भी बहुत सारे हॉर्सेज थे जो उनके पास आते थे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कौन कहता है डार्की मुझे ऐसा लगता है कि हम तो उनके फेवरेट थे ऑल द हॉर्सेज वुड कम टू हिम बट आई थिंक वी वर हिज फेवरेट्स माई मदर ऑलवेज टुक हिम टू द टाउन और अ मार्केट डे इन अ लाइट गिग अब जो वो कहते हैं डार्की कहते हैं कि मेरी मदर उन्हें हमेशा क्या करती थी मार्केट लेके जाती थी टाउन की मार्केट कैसे लेकर जाती होगी सोचो घोड़े के साथ एक इंसान मार्केट कैसे जा सकता है ऑब्बियसली बात है उसके ऊपर बैठ के जाता होगा बैठ कर ही जाएगा तो वो उनको मार्केट लेकर जाती थी लाइट गिग व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गिग होता है आर टू वील्ड कैरेज ड्रॉन बाय वन हॉर्स ओके यहाँ पे मीनिंग इनके लिखे हुए आई थिंक ये दिस इज अ मीनिंग गिग ओके सो ये उन कैसे ले कर जाती थी okay. yes, okay. so उनके ऊपर वो बैठते थे और वो क्या करते थे फिर उसको चलाते थे क्योंकि ये तो मास्टर होते इन्हें तो पता होता है कि किस तरह से कंट्रोल करना और किस तरह से चलाना है देयर वॉज अ प्लॉ बॉय वहाँ पर एक प्लॉ बॉय भी था प्लॉ बॉय कौन होता है अ बॉय हु गाइड्स द एनिमल पुलिंग अ प्लॉ वो एनिमल्स को गाइड करते थे कि किस तरह से प्लॉ करना है किस तरह से चलना है प्लॉ बॉय डिकाइम्स अच्छा डिक हु समाइम्स केम इन टू आर फील्ड ओके ये एक वो था इसका नाम डिक है ये जो प्लॉ बॉय है ना जो ये इनको गाइड करता था किन को हॉर्सेस को अ बॉय हु गाइड्स द एनिमल्स पुलिंग अ प्लॉ ओके जो ये इन्हें गाइड करता था ना इसका नाम था डिक डिक क्या करता था सम टाइम केम इन आर फील्ड कभी कभी हमारी फील्ड में आता था टू प्लग ब्लैक बेरीज ब्लैकबेरी को तोड़ता था फ्रॉम द हेजेस वो जो झाड़ीदार वहाँ पर बाढ़ लगी हुई थी ना झाड़ीदार जो वहाँ पर पे पेड़ थे उनसे ब्लैकबेरीज़ को तोड़ता था और क्या करता था वन ही हैड ई इटन ऑल ही वॉन्टेड टू वुड हैट ही कॉल फन अब वो जितना हो सकता था खाता था और उसके बाद वो फ़न के लिए वो क्या करता था जब उन चीज़ों को खाता था ऑल ही वॉन्टेड ही वुड हैव वॉट ही कॉल फन विद द कॉल्स थ्रोइंग स्टोन एंड स्टिक्स एट दैम टू मेक दैम गल्प ओके okay, वो क्या करता था खाता था और खाकर उन जो ब्लैक बेरीज खाता था ना उसके जो स्टोन होते थे वो ओके okay, स्टोन को उनकी तरफ फेंकता था कभी कभी स्टिक फेंकता था एक्चुअली उसको ये सब करने में मज़ा आता था जैसे सपोज आप पेड़ के ऊपर बैठ जाओ और उनको पत्थर मारो स्टिक मारो गल्प गैलअप कर gallup क्या होता है जो घोड़े होते हैं वो एक फ़ास्ट स्पीड के साथ मूव कर सकें उनको डिस्टर्ब करने के लिए वो इस तरह की हरकतें करता था बैठकर उनको स्टिक और स्टोन से मारता था डिड नॉट मच माइंड लेकिन हम ज्यादा बुरा नहीं मानते थे फॉर वी वुड डेलप ऑफ बट समाइम आज स्टोन वुड हिट एंड हर्ट आस वो उसके लिए क्या करते थे गैलअप मतलब वो दौड़ते भी थे इधर उधर घूमते भी थे लेकिन कभी कभी सम टाइम स्टोन जो होता था उनको हिट करता था और कभी कभी तो हर्ट भी कर देता था वन डे एक दिन ही वॉज एट द एट दिस गेम एक दिन वो यही काम कर रहा था इसी गेम को कर रहा था क्या स्टोन और स्टिक मारना एंड डिड नाट नो दैट द मास्टर वॉज इन द नेक्स्ट फील्ड लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जो मास्टर है वो दूसरी फील्ड में वहीं पर था वॉचिंग वर्ड वॉज गोइंग ऑन वो ये देख रहा था कि ये क्या हो रहा है Over the hedge, he jumped in a snap and caught Dick by the arm. As soon as he saw the master, we trotted up nearer to see what went on. अब एक दिन क्या होता है जो मास्टर था उसको क्या कर लेता है उसको पकड़ लेता है वहीं पर आता है जम्प्ट इन अ स्नैप और उसको कॉट कर लेता है उसकी आम से उसकी बाजू से उसको पकड़ लेता है और जैसी वो ये सब ये मास्टर को देख रहे हैं तो ये सारे के सारे वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं ये हॉर्सेज वगैरह भी और वो उसको कहते हैं कि बैड बॉय ही सेट कौन ये जो मास्टर है उनका उस डिक को पकड़ लेता है और पकड़ कर क्या कहता है बैड बॉय दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम नॉ द सेकेंड टाइम वो कहते हैं ना तो ये पहली बार है और ना ये दूसरी बार है बट इट शेल बी लास्ट लेकिन ये आखिरी बार है अगर तुमने दोबारा ये हरकत की वो जो पत्थर और स्टिक मारता है आई शेल नॉट वॉन्ट यू ऑन माई फार्म अगेन मैं तुम्हें यहाँ दोबारा देखना नहीं चाहता हूँ अपने फार्म में सो वी सो वी नेवर वेयर आई वॉज या सो वी नेवर सॉ जे कैनिमर अब वो घोड़े वो कहता है डार्की कहता है कि अब हमने डिग को दोबारा कभी भी नहीं देखा पैन आई वॉज फोर ईयर्स ओल्ड जब मैं चार साल का था माई मदर ऑनर स्क्र माई माई सेकेंड ऑनर सॉरी माई सेकेंड ऑनर जो मेरे दूसरे ऑनर थे स्क्वेयर गॉर्डन केम टू लुक एट मी मेरे जो दूसरे ऑनर थे जब मैं चार साल का था तो वो मुझे क्या करने के लिए आए थे देखने के लिए आए थे ही एग्जामिन माई आइज़ उन्होंने मेरी आइज़ को एग्जामिन किया माई माउथ मेरे माउथ को एग्जामिन किया एंड माई लेग्स और मेरे लेग्स को एग्जामिन किया मतलब देखा एंड देन आई हैड टू वॉक एंड ट्रॉट एंड गलअप बिफोर हिम और उन्हीं के सामने मैंने वॉक किया चला एंड ट्रॉट ट्रॉट होता ना आगे पीछे चलना लेग को उठाना ऊपर नीचे इस तरह से ट्रॉट के एन गैलप गैलप होता है तेजी से क्या करता है घोड़ घोड़ा जो होता है जिस स्पीड से दौड़ सकता है गैलअप बिफोर हिम ही सीम्स टू लाइक मी एंड सेड और वो मुझे इस तरह से देख रहे थे और उन्होंने कहा वेन ही हैज़ बीन वेल ब्रोकन इन ही विल डू वेरी वेल वो जब एक ब्रोकन इन हो जाएगा तो ये क्या करेगा ये बहुत अच्छा करेगा अब देखो यहाँ पे जो ब्रोकन इन है इसका मीनिंग जो बहुत डीप है ब्रोकन इन का मीनिंग यहाँ पे ना हॉर्स को एक्सप्लेन किया है कैसे एक्सप्लेन किया है देखो मैं बताती हूँ अब आगे स्टोरी में एवरीवन मे नॉट नो व्हाट ब्रेकिंग इन देखो डार्की खुद ही कह रहा है कि शायद सभी नहीं जानते ब्रेकिंग इन का मतलब क्या है इज देअर फोर्थ आई विल डिस्क्राइब तो मैं डिस्क्राइब करता हूँ इट मींस टू टीच अ हॉर्स टू वियर अ सेटल इसका मतलब ये होता है कि घोड़े को सेटल कैसे पहनाया जाता है एंड ब्रिडल सेडल और ब्रिडल किस तरह से पहनाया जाता है एंड टू कैरी ऑन इज बैक अ मैन और किस तरह से वो मैन वेमेन और चिल्ड्रन चाइल्ड child को अपने ऊपर बैठाता है जस्ट द वे दे विश जैसा कि वो चाहते हैं एंड टू गो टू क्वाइटली और चुपचाप चला जाए बिसाइड्स दिस ही हैज़ टू लर्न टू वियर अ कॉलर इन सब के अलावा कॉलर क्रपर एंड ब्रीचिज ब्रीचिंग एंड टू स्टैंड स्टिल वाइल दे आर पुट ऑन और जब तक तुम्हें वहां खड़े रहना, जब तक ये चीजें तुम्हारे ऊपर पुट हो जब तक तुम्हारे ऊपर ये चीजें रखी जाए आ, मैं आपको लाइन बाय लाइन बताती हूँ पहले एक्चुअली ये होता क्या लेट मी शो यू द पिक्चर आप तभी समझ पाओगे mm. yes. ये ब्रिडल होती है ब्रिडल होती है आप देख रहे हो आप ये जो इसके फ्रंट पर इसके मुंह पर जो ये कवर लगाया गया है ये ब्रिडल है ठीक है उसके आगे आओ ये क्रपर है पीछे की तरफ घोड़े की ना ये जो टेल होती है इससे बांध देते हैं ठीक है क्रपर है ये पूरा हार्नेस होता है हार्नेस क्या होता है ये पूरा घोड़े का ना कवर होता है इसके ऊपर अभी ये सब इसको पहले पहना देते हैं फिर इसके ऊपर ये रखते हैं सडल सडल होती है सीट होती है सीट क्या होती है इसी के ऊपर तो जो स्टोरी में कहा है कि बच्चे बैठेंगे वेन मैन वुमेन और चिल्ड्रन इस पर बैठ सकते हैं दो से तीन जन इस पर ईजीली बैठ सकते हैं ये सडल होती है तो वो यही कहता है कि ब्रोकन इनका मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें इसको पूरी तरह से कवर कर देना जिससे कि ये रेडी हो जाए सो so, ये सडल है से, हाँ ये देखो ये पूरा हॉर्स का स्ट्रक्चर है ये देखो मिड में सडल है फिर सीट है कैंटल है सेडल बैग है ये आगे फ्रंट पे हमने पढ़ा था अभी ये पीछे इसकी जो ये वो होती है ना टेल होती है इससे बांध देते हैं पूरा ये क्रिपर होता है तो हॉर्स का जो पूरी एक तरह से कपड़े से पहना दिए ना इसको तो ये है इन सब के बारे में अब हमें स्टोरी में कह रहा है डार्की कहता है कि इट मीन्स टू टीच अ हॉर्स टू वेयर अ सेडल सेडल हॉर्स बेल्ट एंड ब्रेडल एंड टू कैरी हिज बैक अ मैन एंड वुमेन चाइल्ड टू जस्ट गो द वे मतलब उसको पूरा पूरी तरह से रेडी कर दो स्टैंड स्टिल वाइल दे आर पुट ऑन वो वो खड़ा रहता है जब तक उसके ऊपर ये सब पुट किया जाता है देन टू हैव अ कार्ट और अ चेज फिक्सड बिहाइंड सो दैट ही कैन नॉट मूव अब उसको क्या करता है कार्ट से फिक्स कर देते हैं जिससे कि वो क्या कर पाए कहीं पर भी मूव ना कर पाए चेज़ क्या होता है चेज़ होता है हॉर्स ड्रॉन व्हीकल मतलब जो घोड़ा है वो क्या करे व्हीकल को चलाए जैसे आप कार्ट है और कार्ट के साथ घोड़े को वो पूरा स्ट्रक्चर में लगा देते हैं जिस तरह से ठीक है आप गूगल पे देखना किस तरह से जो हॉर्स है वो कार्ट को चलाता है तो इसी तरह से वो उसको पूरा बांध देते हैं एक तरह से जिससे कि वो क्या कर पाए मूव ना कर पाए सो दैट ही कैन नॉट वॉक आउट और ट्रॉट विदाउट ड्रैगिंग इट आफ्टर हिम अब जब उसको काट से घोड़े को बांध देते हैं तो ना तो वो ट्रॉट कर सकता है ना ही वो कुछ भी नहीं कर सकता ना वो मूव कर सकता है बिना मास्टर की इजाजत के मास्टर उसको जैसे कहेगा जैसे वो उसको ड्राइव करेगा उसको वैसे ही चलना पड़ेगा ही मस्ट गो फास्ट और स्लो वो तेज़ भी चलेगा धीरे भी चलेगा जस्ट एज एस ड्राइवर विशेष जैसे ही उसकी ड्राइवर की विश होगी आपने देखा होगा ना दिखाते हैं कि उसको मारते हैं तो वो तेज चलता है कभी धीरे चलता है तो इसी तरह से ही मस्ट नेवर स्टार्ट एट वट ही सीज नो स्टार्ट एट मीन्स क्या होता है यहाँ पे स्टार्ट ऐट का मीनिंग है मूव सडनली और गेट अलार्म ओके तो वो कहता है कि ही सीज नॉट नॉट स्पीक टू अदर हॉर्स ना तो इस सिचुएशन में वो किसी हॉर्स से बात कर सकता है ठीक है अब ये ना तो वो इस सिचुएशन में किसी और से बात कर सकता है और बाइट ना का, ना बाइट कर सकता है और किक ना किक कर सकता है और हैव एनी विल ऑफ़ हिज ओन ना ही वो कोई ऐसा काम कर सकता है जो उसकी खुद की इच्छा हो बट ऑलवेज डू हिज़ मास्टर्स विल लेकिन अपने मास्टर की जो अपने मालिक की जो विल है उसकी जो इच्छा है उसको ज़रूर पूरा करता है इवन दॉ ही मे बी वेरी टायर्ड चाहे वो थक क्यों ना जाए और हंगरी चाहे वो भूखा क्यों ना हो बट द वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ वेन हिज़ हार्नेस इज़ वंस ऑन ही मे नीदर जम्प और सबसे बुरा सबसे वर्स्ट क्या है वेन हीज़ हारनेस जो उसकी हारनेस है मैंने दिखाया था ना हारनेस क्या होती है पूरी उसकी कंप्लीट जो सील्ड वर्ट जो ही पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको शो किया था ना ये हारनेस होती है लेट मी शो यू अगे ये पूरा हारनेस होती है ये इसको पूरा पैक कर देते हैं एक तरह से ओके okay. तो वो कहता है कि सबसे जो वर्स्ट और जो सबसे खराब बात थी वो क्या थी जब उसको एक बार हार्नेस व्हेन हिज हार्नेस इज़ वंस ऑन ही मे नीदर जंप नॉर जॉय नॉर लाई डाउन फॉर वेअरेनेस वो कहता है कि सबसे ख़राब बात ये थी कि ना तो वो क्या कर सकता था ना तो वो जंप कर सकता था थक कर ना वो इंजॉय कर सकता था और ना ही वो क्या कर सकता था एक मिनट बच्चों मेरा खो गया ये पैसेज हाँ ये रहा दिस वन ना तो वो क्या कर सकता था ना तो वो जंप कर सकता था ना लेट सकता था ना खुशियाँ जॉय कर सकता था कुछ भी नहीं कर सकता था एक तरह से वो स्लेव हो गया अब कैद हो गया सो यू सी दिस ब्रेकिंग इन इज़ अ ग्रेट थिंग सो अब आप लोग समझे ब्रेकिंग इन का मतलब क्या है ब्रेकिंग इन का मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर है कि घोड़े को किस तरह से पूरी तरह से बांध दिया गया है हार्नेस से सेडल से ब्रिडल से ब्रिचेस प्रॉपर उसको बांध दिया गया ताकि वो चेस कर सके क्या कार्ट को ठीक है सो so, इसीलिए इन्होंने कहा ब्रेकिंग इन इसलिए वो कहता है कि लो ब्रेकिंग इन इज़ अ ग्रेट थिंग क्या ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आई मस्ट नॉट फॉर्गर्ट टू मैंशन वन पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग अब डार्की कहता है कि इन सब के अलावा एक चीज़ है जो मैं अपनी ट्रेनिंग का जो एक पार्ट है जिसे मैं मेंशन करना तो भूल ही गया विच आई हैव ऑलवेज़ कंसिडर अ वेरी ग्रेट एडवांटेज जिसने कि हमेशा मुझे ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट फ़ायदा दिया एडवांटेज दिया कैसे माई मास्टर सेंड मी फोर्फ फोर्थ नाइट फोर्थ नाइट मीन्स क्या होता है फिफ्टीन डेज टू वीक्स मेरे मास्टर ने मुझे टू वीक्स के लिए कहाँ भेज दिया नेबरिंग फार्मर में कहाँ भेज दिया था उसे नेबरिंग फार्मर में भेज दिया हु हैड आ मेडो विच वॉज वहाँ पर भी एक क्या थी मेडो थी घास का मैदान था विच वॉज स्कॉर्टेड ऑन वन साइड स्कॉटेड मीन्स क्या होता है स्कॉटेड मीन्स होता है जो दूसरी तरफ है घास का एक मैदान था उसकी नेबरिंग में ही दूसरी तरफ बाय द रेल ट्रैक उसके जो साइड में जहाँ वो फार्म था उसके साइड में एक रेल ट्रैक था हेयर वर शीप यहाँ पर कुछ शीप भी थी काओ भी थी एंड आई वॉज टर्न इन अमंग दैम और मैं उन सब के बीच में आई वॉज टर्न इन अमंग ऑफ दैम और मैं उन सबके बीच में एक था अब आप इमेजिन करो रेल ट्रैक और साइड में खाली सा बड़ा सा ग्राउंड पड़ा हुआ है खाली मैदान पड़ा हुआ है इस तरह का फार्म था ओके आई शैल नेवर फॉगेट दिस फर्स्ट ट्रेन दैट ट्रेन बाय मैं कभी वो चीज़ नहीं भूल सकता जब पहली ट्रेन वहाँ से गुजरी थी आई वॉज फीलिंग क्वाइटली मैं क्वाइटली फीड कर रहा था नियर द पेल नियर द पेल वहीं पर पास में एनक्लोजर्स एंड बिफोर आई न्यू विंस इट कम विद अ रश एंड अ क्लेटर एंड अ पफिंग आउट ऑफ अ स्मोक अब वो कहते हैं कि मैं उस टाइम को कब भी नहीं भूल सकता विंस क्या होता है विंस मीन्स अ हेयर फ्राम वेयर ओके फ्रॉम वेयर इट कम मतलब जहाँ से ये क्या आई थी एक आवाज़ आई थी आवाज़ कैसी आई थी वहाँ से ना एक लंबी ब्लैक ट्रेन गुजर रही थी जिसको यहाँ पर क्या किया गया है डिफाइन किया है किसने डार्की ने उस लॉन्ग ट्रेन को डिफाइन किया है किस तरह से डिफाइन किया है विद अ रश रश से क्लैटर क्लैटर मतलब खड़खड़ खड़खड़ की आवाज जब ट्रेन गुजरती है तो कैसी आवाज आती है खड़खड़ की आती है एंड पफिंग पफिंग क्या होती है वैसे तो पफिंग एक सी बर्ड है जिसकी बहुत बड़ी सी चोंच होती है बड़ा डेंजर सा होता है चुभने वाला होता है लेकिन यहाँ पर इसे ट्रेन के लिए यूज किया गया पफिंग आउट ऑफ स्मोक कि एक बहुत ही डेंजर सा बाहर क्या आ रहा था स्मोक धुआं आ रहा था एक लॉन्ग ब्लैक ट्रेन ऑफ समथिंग फ्लू बाय एक लंबी सी काली ट्रेन जो वहां से उड़ी जा रही थी एंड वॉज गोन ऑलमोस्ट बिफोर आई कुड ड्रॉ माई ब्रीथ आई कुड ड्रॉ माई ब्रीथ मतलब जो उसकी सांस थी आई कुड ड्रॉ मतलब अपनी सांस को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है मतलब वो पूरा यहां पे इसका अपने डर को डिफाइन कर रहा है कि मेरी जो सांसें तीस तरह से रुक गई थी मैं इतनी बुरी तरह से डर गया था आई टर्न एंड गैलप टू द फर्दर साइड ऑफ द मेडोर गैलप्ट गैलेप्ट ना घोड़े की चाल जो होती है मैं मुश्किल से ही दूसरी क्या दूसरी तरफ फटाफट घास के मैदान के दूसरी तरफ चला गया क्यों डर कर एज फास्ट एज आई कुड गो मैं जितनी तेजी से दौड़ सकता था उतनी तेजी से दौड़ा बस मैंने आई कुड ड्रॉ माई ब्रीथ किसी तरह उसने अपनी जो सांस संभाली हुई थी उसी तरह वो दौड़ता हुआ मैदान के दूसरी तरफ चला गया एंड देयर आई स्टूड स्नॉटिंग विदिशमेंट एंड फियर स्नॉटिंग क्या होता है स्नॉटिंग होती है जब आपको पता है जो घोड़ा होता है जब एनिमल जो होते हैं सांस लेते हैं ना नॉइज से और माउथ से तो वो स्नॉट कर रहा था और बहुत ही ज्यादा स्टाइनिशमेंट फियर स्टॉनिशमेंट होता है बहुत वेरी ग्रेट सरप्राइज बहुत भयानक सी कोई चीज भयानक सा इंसान डर गया है एंड फियर एस्टाइनिशमेंट एंड फियर उसके साथ क्या कर रहा था लंबे लंबे सांस ले रहा था इन द कोर्स इन द कोर्स ऑफ द डे मैनी अदर ट्रेन वेंट बाय अभी इस बीच में बहुत सारी ट्रेन जब तक वो वहाँ पे था बहुत सारी ट्रेन आई और गई ठीक है आई था इट वेरी ड्रेडफुल वो सोच रहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा ड्रेडफुल है भयानक है बट द काउज वेंट ऑन ईटिंग वेरी क्वाइटली एंड हार्डली रेज देअर हैड एज द ब्लैक फ्राइड फ्राइटफुल थिंग गेम पफिंग एंड ग्राइंडिंग पास्ट वो कहता है कि वो इन चीज़ों को वॉच कर रहा था जो गाय है और जो बाकी अदर एनिमल है वो तो बहुत शांति से शांति से ही खा रहे थे जब भी वो ब्लैक फ्राइटफुल यहाँ पर ट्रेन को पफिंग और ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग होता है कि एक बहुत ही ज़्यादा हार्श करकश गंदी सी आवाज़ जो होती है उसको यहाँ पे बताया गया है वो कहता है डार्की कहता है कि वहाँ पे जो काव थी और जो अदर एनिमल थे वो बहुत चुपचाप खाते थे जब वो ब्लैक डेंजर वाली चीज़ वहाँ से गुजरती थी ट्रेन तब भी वो बहुत मुश्किल से ही अपने गर्दन ऊपर उठाते थे वो तो शांति से खाते ही रहते थे जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्यों एक्चुअली में वो लोग लो यूज टू हो चुके थे कौन बाकी अदर एनिमल्स फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज आई कुड नॉट फीड इन पीस वो कहता है पहले कुछ दिन तो मैं शांति से खा ही नहीं पाया फीड ही नहीं कर पाया बट एज़ आई फाउंड दैट दिस टेरिबल क्रिएचर नेवर केम इन टू द फील्ड देखो ये हॉर्स जो है ना ट्रेन को क्रिएचर कह रहा है टेरिबल क्रिएचर कह रहा है वो कह रहा है जब मुझे लगा कि ये जो टेरिबल क्रिएचर है फील्ड में नहीं आने वाली और हमें कोई हार्म नहीं पहुँचाने वाली और डिड मी एनी हार्म और कोई मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगी आई बिगेन टू डिसरिकार्ड तो मैंने उसको डिसरिगार्ड करना शुरू कर दिया मीन्स इग्नोर करना शुरू कर दिया कोई नोटिस ही नहीं करता था वो आती या जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था सून आई केयर्ड एज लिटिल अबाउट द पासिंग ऑफ अ ट्रेन एज द काव एंड द शीप डिड वो कहता है कि मैं बिल्कुल केयर ही नहीं करता था लिटिल केयर जब ट्रेन आती थी और जाती थी मतलब उसने बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया और उसका डर भी खत्म हो गया क्यों क्योंकि अब वो हैबिचुअल हो चुका था वो भी यूज्ड टू हो चुका है वहाँ पर रहते रहते इस ट्रेन के

कि जब भी इस तरह का जो ये ट्रेन गुजरती है और जो स्टीम इंजन होता है उसकी आवाज़ से किस तरह से कुछ हॉर्स जो होते हैं डर जाते हैं और रेस एकदम परेशान हो जाते हैं वो हो जाते हैं लेकिन डार्कि नहीं होता क्यों क्योंकि वो तो वहाँ से ट्रेनिंग लेके आ चुका है बट थैंक्स टू माई गुड मास्टर वो थैंक्स करता है अपने गुड मास्टर को उसकी केयर को आई एम एज फेयरलेस मैं आज फेयरलेस लेस हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मास्टर एट रेलवे स्टेशन एज इन माय ओन स्टेबल उसको ऐसा लगता है कि जो रेलवे स्टेशन है ना ये तो उसका खुद का अपना स्टेबल है स्टेबल मतलब जहाँ पर घोड़े रहते हैं उसको रेलवे स्टेशन कैसा लग रहा है अपने घर के जैसा ही लग रहा है क्यों क्योंकि अब उसका डर दूर हो चुका है ओके आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में पोस्ट करें ये मेरी क्वेरी है ओके okay. सो so, इस बुक के सारे चैप्टर्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे थैंक यू सो वेरी मच अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड लाइक करें थैंक यू